नमस्कार दोस्तों, आज है जैसे कि 5 अप्रैल, आप जान रहे हैं। तो आज के हम करंट अफेयर जो परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हैं उसका हम अध्ययन करेंगे। जैसे प्रश्न है आपका, श्रीलंका को कौन सा देश विदेशी मुद्रा संकट से उभरने के लिए ऋण दे रहा। जी हाँ दोस्तों, ऐसा कौन सा देश है। तो ऑप्शन आपके पास हैं, भारत, अमेरिका, जापान, चीन। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होने वाला आपका फर्स्ट भारत। तो दोस्तों एक जानकारी के अनुसार बता दें कि 2022 के अंत तक, जी हाँ दोस्तों 2022 के अंत तक जितने भी श्रीलंका के मुद्रा हैं वो समाप्त होने के कगार पर हैं, और भारत ने 900, जी हाँ दोस्तों 900 मिलियन, या दोस्तों मिलियन डॉलर, दोस्तों 900 मिलियन डॉलर ऋण वित्तीय सहायता श्रीलंका को दिया है। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका पोंगल महोत्सव। जी हाँ दोस्तों, पोंगल महोत्सव किस दिनांक को मनाया जाता है। ऑप्शन जो आपके पास हैं, 13 जनवरी, 14 जनवरी, 15 जनवरी, 16 जनवरी। तो दोस्तों हम आपको बता दें, भारत देश में पोंगल महोत्सव मनाया जाता है, तो लेकिन हर राज्य में इसके अलग अलग नाम हो सकते हैं, जैसे मकर संक्रांति, लोहड़ी, बिहू, पोंगल, इस प्रकार से अन्य राज्यों में इसके अलग अलग नाम हैं। तो इसको जो मनाया जाता है दोस्तों वो है आपका 14 जनवरी, सेकेंड आंसर राइट। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन से बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में मिताली राज, जी हाँ दोस्तों मिताली राज कौन नहीं जानता, क्रिकेट खेलने वाली भारत की, को किसका नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। पेटीएम, सैमसंग, जेकल्स, क्रिक, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा बता दें आपको, थर्ड जेकल्स क्रिक। मिताली राज के बारे में बताया गया, तो ये महिला क्रिकेट में 10,000, जी हाँ दोस्तों 10,000 अंतर्राष्ट्रीय रन बनाए हैं, और जो महिला के लिए सबसे ज़्यादा रन बना है इन्होंने बनाया है। और जेकेल से क्रिक की अगर बात करें तो ये ऑस्ट्रेलिया की वाइन वाइन ब्रांड है। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन तक बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यूनेस्को भारतीय धरोहर का विवरण कौन सी भारतीय भाषा में छापेगा, जिसकी सहमति हाल ही में हुई है। ऑप्शन आपके पास हैं, मराठी, तेलुगु, पंजाबी, हिंदी। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होने वाला आपका 4, हिंदी में छापेगा दोस्तों। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में भारत सरकार ने किस कंपनी को, जी हाँ दोस्तों किस कंपनी को 20% प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को FDI को अनुमति देने का निर्णय लिया है। तो ऑप्शन जो आपके पास हैं, सहारा, म्यूचुअल फंड, LIC, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा थर्ड, LIC, जी हाँ दोस्तों। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में विश्व बैंक ने, जी हाँ दोस्तों विश्व बैंक ने वित्त वर्ष 2022, जी हाँ दोस्तों जो 2022 चल रहा है इसमें भारत की GDP, जी हाँ दोस्तों GDP वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है। तो ऑप्शन जो आपके पास हैं, 6.3%, 7.3%, 8.3%, 9.3%। तो दोस्तों जो विश्व बैंक ने अनुमान लगाया है 8.3% अनुमान लगाया है। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन तो पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वर्ष 2022 में भारत की GDP, जी हाँ तो भारत की GDP संयुक्त राष्ट्र संघ के अनुसार, जी हाँ तो वो विश्व बैंक के अनुसार था, ये संयुक्त राष्ट्र संघ के अनुसार है, कितनी में रहेगी। ऑप्शन जो आपके पास हैं, 3.5%, 4.5%, 5.5%, 6.5%। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा आपका सेकेंड, 4.5%। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन तो पढ़ते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में किस राज्य सरकार ने कर्मचारियों की उम्र को 60 वर्ष, जिन तो पहले 60 वर्ष वहाँ कर्मचारियों की उम्र थी लेकिन उसे बढ़ाकर 62 वर्ष कर दिया गया है। तो ऑप्शन जो आपके पास हैं, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, पंजाब, हरियाणा। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा आपका सेकंड, आंध्र प्रदेश। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन तक बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में उड़ीसा दिवस, जी हाँ दोस्तों उड़ीसा दिवस कब मनाया गया। ऑप्शन आपके पास हैं, 1 अप्रैल, 2 अप्रैल, 3 अप्रैल, 4 अप्रैल। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा आपका फर्स्ट, 1 अप्रैल, जी हाँ दोस्तों। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन तक बढ़ते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 20वां। जी हाँ दोस्तों, 20वां नौसेना अभ्यास वरुण 2022 किन के बीच शुरू हुआ है? तो ऑप्शन आपके पास हैं, भारत जापान, भारत फ्रांस, भारत नेपाल, भारत श्रीलंका। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा आपका सेकंड, भारत फ्रांस। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलिएगा। तो दोस्तों अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर देना। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ऑल दी बेस्ट।